मैं मदनी काफले वाला हूँ। अगर मदनी काफले को समझ लिया, ये जब तक नहीं होंगे ना अपनी तरबियत होगी, ना मस्जिद मस्जिद और मोहल्ले मोहल्ले दीनी काम बढ़ेगा। मदनी काफला पूरी दुनिया में दीन का काम बढ़ाने का एक शॉर्टकट है। अगर दावत इस्लामी में तो मदनी काफले माइनस हो जाए ना, तो बहुत कुछ समझो कि वो हम खो देंगे। दावत इस्लामी के दीनी काम की रीढ़ की हड्डी है मदनी काफला। तो मेरे तमाम मदनी बेटे जो हैं वो बस मदनी काफले को पकड़ ले, इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है मदनी काफले में। बड़ी तकदीरें बदलती हैं इसमें, लोगों की बड़ी इस्लाह होती है और मस्जिदों में काम शुरू हो जाते हैं, इलाकों में काम शुरू हो जाते हैं, दीगर शहरों में मदनी काफले जाते हैं, हफ्तावार इज्तिमा शुरू हो जाते हैं। बड़ा मतलब यानी कि बहुत तरक्की हो जाती है मदनी काफिलों के जरिए। अल्लाह की रहमत है, हमारे पास अफरादी कुव्वत है, अल्लाह की अता से है, ठीक है ना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा मतलब है कि हमारे पास अल्लाह ने खजाना अता फरमाया हुआ है। अगर हमारे जिम्मेदारान इस खजाने से खरीदारियां शुरू करें ना, तो इंशाअल्लाह मतलब हमारा बच्चा बच्चा नमाजी बन जाएगा। इन मानो अगर खरीदारियां यानी बाग दौड़ मचा दें मदनी काम की, दीनी काम की, और खूब सुन्नतों की धूमधाम मचा दें, बच्चा बच्चा अल्लाह करेगा नमाजी हो जाएगा। हमारी इस्लामी बहनें भी नमाजी बनेंगी, शरई पर्दे नाफिज होंगे, गुनाहों के जो अड्डे हैं वो वीरान होंगे, अल्लाह के घर मस्जिदें आबाद होंगी। घरों से जो आजकल फिल्मी गानों की आवाज़ें आती हैं, इंशाअल्लाह वहाँ कुरान की तिलावतें और नातों के तराने सुने जाएंगे इंशाअल्लाह। आप करें तो सही, मदनी काफिले को थामे तो सही, फिर देखना कितनी तरक्की होती है।